ये स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 3 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे इसके प्रोज देखें तो इसका सीएजीआर एनुअल 5 ईयर सीएजीआर जो है वो 30.79% है। मतलब इसने लास्ट 5 ईयर्स में रेगुलर बेस पे हर ईयरली 30.79% का एवरेज रिटर्न दे रखा है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स देख लें तो यहाँ पे पी रेशियो भी एवरेज है और इनका जो करंट प्राइस है वो भी 6,000 करोड़ है। ये स्टॉक अराउंड अराउंड इसका हाईएस्ट प्राइस जो है वो 8,000 करोड़ जा चुका है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा करेक्शन में आ चुका है ये स्टॉक, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहा है। उसके अलावा इसके कॉन्स जो हैं वो तो मिनिमल कॉन्स हैं। उसके अलावा हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएँ तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोग ईयरली रिटर्न्स पे ध्यान दें तो वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इनकी कंपाउंडिंग तो हो ही रही है, प्रॉफिट्स की कंपाउंडिंग हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे इनके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब कंपनी एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दे रही है। उसके अलावा इनकी इनकम्स जो हैं वो, ये तो कोई इसका कुछ यूज़ नहीं है, बट मेन जो है वो प्रॉफिट्स का, जो इनका हर ईयरली बेसिस पे उनकी प्रॉफिट्स ग्रोथ हो रही है, तो मतलब एक इम्प्रूविंग कंपनी है ये। उसके अलावा 5 ईयर्स ग्रोथ जो है वो 26% है। सेल्स ग्रोथ जो है, सो सेल्स में भी सेल्स में बहुत इंक्रीज़ हुआ है इस कंपनी में। नेक्स्ट कमिंग टू द बोरिंग्स, बोरिंग्स से हमको पता चल जाता है यहाँ पे कंपनी के बोरिंग्स में इंक्रीज़ हुआ है। बोरिंग्स में इंक्रीज़ हुआ है मतलब कि जब कभी भी यूजली बोरिंग्स में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये पूरी ये कंपनी पूरी तरह से फाइनेंस बेस्ड है, तो इसलिए इसमें बोरिंग्स में इंक्रीज़ होता ही रहता है हर समय, क्योंकि कंपनी बड़े बड़ी कंपनीज को लोन्स देती है और इसमें फाइनेंसिस का काम करती है, तो उसके कारण। और ये जो पूरा सेक्टर है कंपनी का, जैसे ये वाला सेक्टर जो पूरा है एसएमईज, कमर्शियल कस्टमर्स जो है, जैसे बजाज फाइनेंस का जो मेन फोकस रहता है वो ईएमआईस पे रहता है, तो इसमें तो सारे कस्टमर्स को इनको लोन देना ही पड़ता है, तो उसके कारण इसकी यहाँ पे बोरिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। बट ये एवरेज है कंपनी के लिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसमें फाइनेंस का पूरा काम है तो बोरिंग्स ही बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं। उसमें अगर हम लोग देखें डीआईएस और एफआईएस, तो एफआईएस ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज़ किया और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज़ किया। तो एज यूजल है, क्योंकि पूरी मार्केट में ये चल रहा है कि एफआईएस ने सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस ने उसको बाइंग्स करी हुई है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दें तो यहाँ पे कंपनी अपने जो कंसोलिडेशन फेज था, ये वाला फेज जो था 6,000 से लेकर 6,200 से लेकर 6,000 वाला जो फेस था जिसमें कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी, हर समय कंसोलिडेट करके यहाँ से पुल बैक ले लेती है कंपनी। बट अभी कंपनी उस कंसोलिडेशन स्टेज से नीचे है, बट मोस्ट प्रॉबली कल ये जब मार्केट खुलेगा तब कंपनी यहाँ पे रिकवरी दे देगी, क्योंकि कल वैसे ही मार्केट ग्रीन में खुलने वाला है, क्योंकि लास्ट लास्ट ट्रेडिंग डे में नैसडैक और अपना डाउ जोन्स इंडेक्स जो था वो बहुत ही इम्प्रूव्ड हो गया था, बहुत ही इंक्रीज़ हुआ था उसमें, और मार्केट सेंटिमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं बजाज फाइनेंस के लिए। और ये कंपनी में ऐसा कुछ अभी अभी तक ऐसी न्यूज़ में कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है, तो मेरे हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर लेगी। तो दिस इज ऑल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बजाज फाइनेंस। अभी हम लोग नेक्स्ट कंपनी पे फोकस करते हैं।